नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। यूं तो भगवान कृष्ण ने गीता में अनेक ऐसी बातें कही हैं जो व्यक्ति के जीवन पर जरूर असर डालते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे भी नियम बताए हैं जो आपके घर में धन और संपन्नता लेकर आते हैं। दरअसल वास्तु शास्त्र की अगर बात करें तो वास्तु द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ परिणाम देते हैं। वास्तु के जानकारों का मानना है कि धर्म शास्त्रों के मुताबिक युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ वास्तु नियम बताए थे। आज वही नियम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला नियम, हर घर में पानी पीने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, यानी कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा। दरअसल इस दिशा का महत्व काफी माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान से जुड़ी हुई है। घर में चंदन की माला का होना भी बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो हम अक्सर चंदन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप घर में चंदन की लकड़ी या माला या अगरबत्ती रखते हैं तो इससे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। शहद का होना, घर में शहद का होना भी काफी शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये उपाय बताया था। उन्होंने ये उपाय बताते हुए कहा था कि शहद आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ घर के वातावरण को भी स्वच्छ रखता है और घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। इसीलिए कई बार हम भोग में भी शहद का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, घर में गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल होना चाहिए। दरअसल गाय को वैसे भी हमारे शास्त्रों में माता कहा गया है, तो यही कारण है कि गाय माता का घी भी घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। गाय के घी का इस्तेमाल आपको धन का लाभ तो देता ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप दीपक जलाने और भोजन में भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि घर में कभी भी घी खत्म ना हो। अगला उपाय, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि शुद्ध होती है और निर्धनता नहीं आती। ऐसे में घर में माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने कमरे में भी सरस्वती माता का चित्र अवश्य रखना चाहिए। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्योतिष से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।